नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। खबरों का सफर शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। बीजेपी का तेज प्रताप पर जुबानी हमला, प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा तेज प्रताप का पार्टी और परिवार में कोई वैल्यू नहीं, फिर किस अधिकार से करते हैं बयानबाजी। सुपौल में अपराधी बेलगाम, दिन दहाड़े लूट लिए 2,25,000, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। इंडिगो एयरलाइंस के हेड रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली, सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। चतरा के जंगल में हुआ ब्लास्ट, लकड़ी चुनने गए युवक का उड़ा पैर, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। अब खबरें विस्तार से। खबर पटना से है, बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तेज प्रताप पर तंज कसते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद पार्टी और अपने ही परिवार के अंदर तेज प्रताप का कोई वैल्यू नहीं है, पार्टी के नेता उन्हें नेता नहीं मानते और वो किसी आधिकारिक प्रवक्ता पोस्ट पर भी नहीं है, फिर वो किस हैसियत से बयानबाजी करते हैं। यह अलग बात है कि पार्टी नेताओं को जोड़े रखने के लिए यह मुगालता पाल रहे हैं कि एनडीए सरकार की जगह आने वाले समय में उनकी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया है और काफी लंबे समय तक यह सरकार चलेगी। देखिए, आरजेडी के भीतर तेज प्रताप यादव का कोई वैल्यू है ही नहीं और उनके परिवार में भी उनकी कोई हैसियत नहीं है, और आरजेडी में और आरजेडी के तरफ से वे किस हैसियत में बयानबाजी कर रहे हैं ये भी पता नहीं है, आधिकारिक प्रवक्ता भी नहीं है और आरजेडी में उनको कोई नेता भी नहीं मानता है। दीवा स्वप्न देखने के लिए सही है कि आरजेडी ये सोचकर मुगालते में अपने लोगों को एकजुट रखे कि आने वाले भविष्य में सत्ता परिवर्तन होने वाला है और सत्ता बिहार की सत्ता पर वे काबिज होंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने एनडीए गवर्नमेंट को मैंडेट दिया है और आने वाले लंबे समय तक एनडीए का कोई अल्टरनेटिव बिहार में नहीं खड़ा होने वाला। खबर हाजीपुर से, इधर बकरी के खेत चरने का विरोध करने पर मारपीट की घटना सामने आई है। घर में घुसकर वार्ड पार्षद के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बकरी पालन को लेकर वार्ड पार्षद के घर पर जमकर रोड़ेबाजी की। अचानक लोग उनके घर के सामने आ गए और ईंट पत्थर के साथ लाठी डंडों से हमला कर दिया। महनार नगर परिषद वार्ड नंबर 21 के पार्षद बिरजू सिंह इस घटना में घायल हो गए। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है, घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। खबर मधुबनी से है, मधुबनी के हरलाखी थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप एवं आंख फोड़ने की वारदात में संलिप्त तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सभी को पाक्सो मामले के स्पेशल जज सत्यप्रकाश की अदालत में किया गया। पुलिस ने जब्त सामानों को भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि इस मामले में मुजफ्फरपुर से पहुंची FSL की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है और सबूतों को इकट्ठा कर वापस लौट गई है। गौरतलब है कि 12 जनवरी को 3 दरिंदों ने शराब के नशे में नाबालिग छात्रा के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम देने के बाद पीड़िता की आंखें फोड़ दी थी। फिलहाल पीड़िता का इलाज DMCH में चल रहा है। खबर गिरिडीह से है, गिरिडीह में बाइक चोर गिरोह के 3 सातिर सदस्यों को नगर थाना की पुलिस ने किया गिरफ्तार है। इनके पास से पुलिस ने चोरी की 6 बाइक भी जब्त किया है। यह गिरोह बिहार झारखंड के कई जिलों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। नगर थाना प्रभारी RN चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार बाइक चोरी की मिल रही शिकायतों के बीच पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस को यह कामयाबी मिली है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर इस नेटवर्क से जुड़े एनी लोगों को भी तलाश की जा रही है। छापेमारी के क्रम में 3 अपराधकर्मी जो सातिर मोटरसाइकिल चोर हैं, जो इन तीनों जिलों में कई कांडों में वांछित हैं, की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक समद अंसारी है, दूसरा है हातिम मियां और तीसरा है बकरीद मियां। तीनों गिरफ्तारी हुई है, 6 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इनका आपराधिक इतिहास देखा गया तो कई थाना क्षेत्रों में इनका आपराधिक इतिहास है। खबर सुपौल से है, सुपौल में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पलक झपकते ही बड़ी वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है।
एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां डाकघर के एक एजेंट से अज्ञात दो बाइक पर सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े 2,25,000 रुपए लूट लिए। यह घटना सदर थाना क्षेत्र में घटी। पीड़ित ने मीडिया को अपनी आपबीती बताई। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन और अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा तो कर रही, लेकिन अभी तक किसी की पहचान नहीं हो पाई है। हम घर से आए, कैश लेकर के बैग लेकर के, और बैग को जैसे यहाँ पे रखे हैं और कुछ देर बैठे हैं, उसके बाद कोई ऑफिस से बुलाया, ऐसे ही निकले हैं तब तक बैग लेकर भाग गया। कितना कैश लेके भाग गया? पासबुक थप था, 2,25,000। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। इंडिगो एयरलाइंस के हेड रुपेश हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली। सूबे में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। चतरा के जंगल में हुआ ब्लास्ट, लकड़ी चुनने गए युवक का उड़ा पैर, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। लड़खड़ा रहे थे कदम, कर्ज में आ गए थे हम, छा रहे थे गम के बादल, तब भी हारे कहाँ थे हम। फिर सोना गोल्ड ने किया चमत्कार, इस मुर्गी दाने से खूब बढ़ा व्यापार। अब नहीं है मुश्किल, जीना हुआ आसान, बढ़ रही है समृद्धि और बढ़ा मान सम्मान, और बढ़ा मान सम्मान। सोना गोल्ड मुर्गी दाना, जो प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, एनर्जी से भरपूर, यह स्टीम पद्धति से तैयार किया जाता है। इस मुर्गी दाने को खिलाने से चूजों में तेजी से वृद्धि होती है और बीमारियों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है, साथ ही FCR भी कम होता है। तो आज ही अपनाएं सोना गोल्ड मुर्गी दाना। सोना गोल्ड मुर्गी दाना का है वादा, कम रहे FCR, मीट और अंडे दे ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। खबर पटना से है। राजधानी पटना में हुई रुपेश हत्याकांड मामले में पटना पुलिस एक्शन में दिख रही है। खुद IG संजय कुमार मामले की जांच की निगरानी कर रहे हैं। इस हाई प्रोफाइल मामले पर CM नीतीश कुमार भी खुद नजर गराए हुए हैं और पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जांच के लिए गठित SIT टीम ने संदेह के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस से ठेकेदारी विवाद में हत्या किए जाने के पहलू पर भी कर रही है जांच। रुपेश के बड़े भाई सिंचाई विभाग में ठेकेदारी करते हैं। जांच में पता चला है कि 7.65 बोर की पिस्टल से रुपेश को गोली मारी गई है और इसे शार्प शूटर ने अंजाम दिया है। हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने गोपालगंज, छपरा और भोजपुर में छापेमारी की है। हालांकि अभी तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा है। इधर खबर पटना से है। बिहार बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता राजेश राठौर ने नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि बिहार की पुलिस अपराध नियंत्रण में सक्षम है, इसलिए पुलिस को स्वतंत्र छोड़े नीतीश कुमार। बिहार में अपराध के लिए CM नीतीश कुमार खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए गृह मंत्रालय नीतीश कुमार छोड़े। कल एक आदेश देखे हैं कि नीतीश कुमार जी कहे हैं कि रुपेश सिंह की हत्या के जांच का आदेश दिए हैं और उसकी निगरानी वो स्वयं करेंगे।
क्या मुख्यमंत्री जी, जिस केस की निगरानी आप नहीं कीजिएगा, जिस केस के जांच के आदेश आप नहीं दीजिएगा, उस केस की जांच नहीं होगी। इससे स्पष्ट हो गया कि बिहार में जितने मामले उलझे हैं मुकदमे के, हत्या, लूट, बलात्कार, अपराध का, अपहरण का, उसकी जांच के आदेश आप नहीं दिए हैं, इसलिए जांच नहीं हो रहा है। बिहार के पुलिस सक्षम है। अगर बिहार में अपराध बेलगाम है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ नीतीश कुमार है। और पुलिस को आप जिस प्रकार से बांध के रखे हैं, पुलिस को आप स्वतंत्र कीजिए और गृह मंत्रालय के पद से आप त्याग पत्र दीजिए। वहीं आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर राजद ने भी नीतीश सरकार को फिर घेरा है और राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बिहार में जिस तरीके से अपराध हावी है, वैसे में विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर सही सवाल उठाया है। बिहार में अपराधी बेलगाम है और अपराध चरम है। ऐसे में सरकार को सत्ता में रहने के कोई अधिकार नहीं है। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और जनता से माफी मांगनी होगी। बिहार में जिस तरह से कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था चौपट है, इस पर एक जिम्मेवार विपक्ष के नेता के रूप में श्री तेजस्वी यादव जी सवाल खड़े कर रहे हैं सरकार की नाकामी पर। सरकार सुशासन स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रही है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, पुलिस प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराधियों के मनोबल जबरदस्त बढ़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन अपराधियों के सामने पस्त हैं और सत्ता में बैठे लोग सरकार बचाने के खेल में मस्त हैं। इस तरह से बिहार नहीं चलेगा। बिहार की जनता की सुरक्षा भगवान के भरोसे सरकार ने छोड़ दिया है। सरकार की इस नाकामी को हम विपक्ष के नाते उठाते रहेंगे और सरकार को एक मिनट भी अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। बिहार की जनता से सरकार को माफ़ी मांगना होगा। ये जिस तरह से रोज आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेवारी और जवाबदेही लेनी पड़ेगी। बिहार में बेलगाम अपराधी और अनकंट्रोल अपराध को लेकर जेडीयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार सुशासन के लिए जाने जाते हैं। रुपेश के हत्यारे अगर पाताल में भी होंगे तो पुलिस उन्हें ढूंढ निकालेगी। स्पीडी ट्रायल के माध्यम से अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। नीतीश सरकार में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता है। विपक्ष को बेवजह राजनीतिक रोटी सेकने की आदत है। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और कानून का राज स्थापित रखने के लिए कृत संकल्पित हैं। अपराध की घटनाओं को लेकर चिंतित और संवेदनशील मुख्यमंत्री ने अनेकों समीक्षाएं बैठक अपराध पर की हैं, पुलिस हेडक्वार्टर विजिट किए हैं, आला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। CCTV कैमरे का लगेगा, पुलिस मॉडर्नाइजेशन होगा, पुलिस की ट्रेनिंग की जाएगी, बड़े अधिकारी भी सरकारी गश्त करेंगे। इतना के बावजूद भी कुछ आपराधिक घटनाएं अगर हुई हैं तो माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, DGP को आवश्यक निर्देश दिए हैं और निश्चित ही एक एक आपराधिक घटनाओं को हम चुनौती के रूप में लेते हैं। अपराधी पाताल में भी रह जाएंगे तो उसे निकाल करके उनका स्पीडी ट्रायल करके वो सलाखों के पीछे होगा। और निश्चित ही जो अगर देखेंगे कि आपराधिक घटनाओं में सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं, मगर प्रशासन कितनी सजगता से और संवेदनशीलता से उसका उद्भेदन करती है, देखना आवश्यक है। खबर पटना से है। बिहार में बढ़ते आपराधिक घटनाओं पर BJP का भी बयान सामने आया है। BJP नेता निखिल आनंद ने कहा है कि 2005 से लेकर 2015 तक NDA ने सुशासन का मॉडल स्थापित किया था, लेकिन राजद के सत्ता में आते ही यह मॉडल बिखर गया। एक बार फिर से बिहार में NDA की सरकार है और मुख्यमंत्री खुद सूबे में विधि व्यवस्था और अपराध को लेकर गंभीर है और खुद संज्ञान भी लेते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिकारी अपने बिहार के प्रति नैतिकता को समझे और बाबूगिरी की साइकोलॉजी से बाहर निकले। अपराध अनुसंधान और अपराधियों के प्रति कोई ढीली न बरते। हम बिहार को और विकसित बिहार बनाने के साथ अपराध मुक्त बिहार बनाने के प्रति दृढ़ संकल्पित है। बिहार की इसी NDA सरकार ने 2005 से लेकर 2015 तक सुशासन का मॉडल एस्टेब्लिश किया था, लेकिन ये बात भी सत्य है कि 2015 में RJD के गवर्नमेंट में आने के बाद गवर्नेंस का कोहेरेंस गड़बड़ाया था। लेकिन बिहार की NDA सरकार आज भी उसी कदर तत्पर है। मुख्यमंत्री जी घटना का उसी कदर गंभीरता से संज्ञान लेते हैं, लेकिन बिहार के सभी ऑफिसर्स से एक रिक्वेस्ट है कि बिहार के प्रति नैतिक जिम्मेदारी को समझे, बाबूगिरी की साइकोलॉजी से बाहर निकले।
हर घटना के अनुसंधान में कोई कोताही न बरतें, अपराधियों के खिलाफ गंभीरता से सख्ती से कार्रवाई करें। बिहार को हम एक बेहतर बिहार बनाना चाहते हैं, बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए भ्रष्टाचार और कानून के व्यवस्था के स्तर पर कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। चतरा के जंगल में हुआ ब्लास्ट, लकड़ी चुनने गए युवक का उड़ा पैर, गंभीर हालत में पहुंचाया गया अस्पताल। बेबस होकर देख रहा पर था ना कोई सहारा, हर सुख सुविधा की चाहत में मन था बेचैन हमारा, और अचानक बदल गए दिन, सोना गोल्ड ने दिया जब साथ, रोग मुक्त हुआ पशुधन और बरसे दूध की अमृत धार, पोषक तत्व से भरा है ये पशुओं का है संतुलित आहार, परिवार में आई खुशहाली, सुख से भर गया घर संसार, चाहिए गाढ़ा दूध तो भैया सोना गोल्ड ही लाना, बेहिचक बेफिक्र होकर सोना गोल्ड अपनाना, सोना गोल्ड अपनाना। सोना गोल्ड पशु आहार का वादा, तंदुरुस्त रहे पशु और दूध दे ज्यादा, सोना गोल्ड खिलाओ खूब कमाओ। क्या है आपके मोहल्ले का हाल? विकास ने कितनी बदली तस्वीर साल दर साल? आपसे सीधे जानेंगे आपके मोहल्ले का हाल। मैं हूं रवि, आ रहा हूं आपके मोहल्ले में सीधे करने आपसे बात। अगर आपके भी मोहल्ले में है कोई बात तो उठाइए फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यह है मेरा मोहल्ला रवि मिश्रा के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मकर संक्रांति की पूरे प्रदेश में धूम रही। गंगा नदी घाटों पर मकर संक्रांति के मौके पर गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालु पहुंचे। पछुआ हवा और भीषण ठंड का असर गंगा स्नान पर भी दिखा, जिसके कारण कुछ जगहों पर कम संख्या में लोग नदी में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। पटना, खगड़िया, बेगूसराय, बक्सर सहित तमाम शहरों में गंगा किनारे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूजा पाठ की। बताया जाता है कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान और पूजा पाठ के साथ दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। आज लोग दही चूड़ा तिलकुट खाते हैं। नए वर्ष में मकर संक्रांति के अवसर पर लोग दही चूड़ा का भोज भी देते हैं। कुल मिलाकर पूरे सूबे में आज हर्षोल्लास का माहौल रहता है। गंगा स्नान के दौरान NDRF की टीम को भी गंगा नदी में गश्त करते देखा गया। आज संक्रांति पर्व है, गंगा नहाने का महत्व है, दान प्रदान करने का महत्व है। बहुत बहुत दूर से स्नान करने के लिए आते हैं, दरभंगा से आते हैं, जयनगर से आते हैं, समस्तीपुर से आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। गंगा स्नान के बाद दान प्रदान करते हैं। दान प्रदान करने से सुख शांति मिलता है, धन पुत्र में आनंद मिलता है। खबर नालंदा से है, जहां एक वायरल वीडियो ने हरकंप मचा दिया है। हरकंप मचने के साथ साथ यह भी साफ हो गया कि बिहार में शराबबंदी का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है। हालांकि SDF न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इधर जन्मदिन के मौके पर शराब और हुक्का पार्टी करते युवकों का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। नालंदा के लहेरी थाना इलाके से एक गिरफ्तारी हुई है। बताया जाता है कि जन्मदिन के पार्टी में 11 युवक शामिल थे, जिसमें न केवल शराब और हुक्का पार्टी बल्कि इसका वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया।
तब उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वीडियो वायरल होने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है और जेल की हवा खानी पड़ सकती है। वीडियो वायरल होने के बाद जब हरकंप मचा तो पुलिस एक्शन में आई और उसमें से तीन युवकों की पहचान कर गिरफ्तारी कर कार्रवाई की अंजाम दिया गया। अगली खबर नालंदा से है, जहां जन वितरण प्रणाली द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले अनाज में गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल अस्थावा प्रखंड के उगहा गांव में डीलर की दबंगई देखने को मिली, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने जन वितरण प्रणाली के अनुगप्तिधारी के आवास पर जमकर बवाल काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकानदार के द्वारा गड़बड़ी किया जाता है और उन्हें पिछले 2 माह से खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। हर महीने इंतजार इंतजार करते करते वही मिलता है, इधर एकदम इंतजार कर रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा राशन। तो दे नहीं रहा? नहीं नहीं दे रहा, बोल रहा पंचिंग खराब हो गया, बन के आएगा तब होगा, तब मिलेगा। कितना माइनस नहीं मिला? यही 2 महीना। खबर चतरा से है, जंगल से लकड़ी लाने गए युवक के साथ बड़ी घटना हो गई। बताया जाता है कि जंगल जाने के दौरान बम ब्लास्ट हुआ जिसमें युवक का पैर उड़ गया। आशंका व्यक्त की जा रही कि नक्सलियों द्वारा जमीन के अंदर छुपाकर रखा गया बम ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में जंगल से लकड़ी चुनने गया युवक आ गया। यह घटना चतरा बिहार के बाराचट्टी के बॉर्डरिंग एरिया के घोरथंभा जंगल में घटी। स्थानीय अस्पताल में प्राथमिकी उपचार के बाद युवक को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स भेजा गया है। फिलहाल पुलिस कुछ भी बोलने से बचते हुए मामले की तहकीकात में जुट गई है। लकड़ी काट ली है? हाँ। लकड़ी काट ली है, लकड़ी बजा बांध के आ रहे थे घर, तखन के विस्फोट हो गया, सब फेंका गया, पूरा धुआंस भर गया, आँख में भी लोक भी नहीं रहा। खबर लातेहार से है, लातेहार जिले के हेरहंज थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित बस स्टैंड में JJMP उग्रवादियों ने पोस्टरबाजी की है। पोस्टर में हेरहंज प्रखंड क्षेत्र में काम करने वाले सभी ठेकेदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि कोई भी काम करने के पहले संगठन से बात कर ले, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। निवेदक में संगठन के किसी विनय नाम के व्यक्ति का जिक्र किया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही हेरहंज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर को अपने कब्जे में ले लिया। थाना से कुछ ही दूरी पर पोस्टरबाजी की घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत व्याप्त है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर हाजिर होंगे कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए SDF News। नमस्कार।